दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, देश के चार राज्यों में देश के टॉप गैंगस्टरों के घरों पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब देश की सुरक्षा एजेंसी ने सोमवार 11 सितंबर को एक साथ 60 ठिकानों पर धावा बोला। चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई का घर हो या फिर गोल्डी बराड़ का, या फिर नीरज बवाना का दिल्ली का किला हो, या फिर टिल्लू ताजपुरिया का ठिकाना हो, NIA ने चुन चुन कर छापे मारे और गैंगस्टरों के दिल दहलते रहे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर NIA का इन गैंगस्टरों से क्या कनेक्शन है। जाहिर सी बात है कि देश में किसी भी आतंकी वारदात की जांच का जिम्मा नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA ही देखती है। ऐसे में फिर जेल में बंद गैंगस्टरों के मामले में NIA क्या खाक छान रही है? क्या जेल में या फिर विदेश में बैठे गैंगस्टरों का कोई आतंकवादी कनेक्शन है? दरअसल पंजाब पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। पंजाब पुलिस का दावा है कि पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्याकांड के पीछे सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं बल्कि पूरी आतंकी टीम है। पंजाब पुलिस के DGP ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सीमा पार के आतंकियों के बीच संबंधों का दावा किया है। पंजाब पुलिस के DGP ने लॉरेंस बिश्नोई के पाक खुफिया एजेंसी ISI के साथ रिश्तों का खुलासा किया है। नहीं, असीं देखो जी सप्लीमेंटरी चार्जशीट फाइल करांगे, अदरवाइज इट इज वेरी क्लियर कि गोल्डी जड़ा हैगा वो लिंच पिन। चलो मतलब मैं लोड तो वध क्रेडिट गोल्डी नू भी नहीं देंदा क्योंकि इहदे च कई कई कड़ियां जुड़ियां हैगी, पर मेनली मतलब वो अगे कन्वे जावे इन्हां दा उरे नैटवर्क हैगा, टैलीफोन ते इन टच हुंदे आ, ताई असीं जिहड़े बंदे पनाह दे रहे हैगे, जिहड़े बंदे पैसे दे रहे हैं, असीं सारियां नू नोमिनेट करके गिरफ्तार कर रहे हैं एंड स्पेसीफाइंग द रोल ऑफ ईच परसन। अदरवाइज देखो जी ISI दे डायरेक्शन ते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਸੱਚ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ DGP ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗੇ दीपक से सलमान की रैकी भी करवाई थी। ये अभी सिर्फ देखिए ये पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि कपिल पंडित की इंटरोगेशन में आई बात है, बड़ी प्रिलिमिनरी बात है कि इन्होंने रैकी करी थी बॉम्बे जाके सलमान खान को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के डायरेक्शंस पे, और इनके साथ दो लोग थे, एक सचिन बिश्नोई था, एक संतोष यादव था। तो इस बात को हम दूसरे अक्यूज्ड, ये दोनों पकड़े जा चुके हैं, जैसे वो बिश्नोई डिटेन हो गया तो उनको जब हम रिमांड में लेके आएंगे उनसे पूछताछ करेंगे। पंजाब पुलिस की टिप के बाद NIA के निशाने पर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, नीरज बवाना, बम्बिहा गैंग और टिल्लू ताजपुरिया आ गए। दरअसल मूसेवाला मर्डर ने इन गैंगस्टरों से सीमा पार कनेक्शन की परतें उधेड़ने का काम किया है। गैंगस्टर और आतंकियों के कनेक्शन की पूरी कहानी तभी बनकर तैयार हो गई जब मूसेवाला के मर्डर में इस्तेमाल हुए हथियारों के नाम सामने आए। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक पंजाब में हथियारों की इतनी बड़ी खेप आ चुकी है कि अब गैंगस्टरों से निपटना पंजाब पुलिस के बस की बात नहीं रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सनसनीखेज वारदात में AN-94 रूसी असॉल्ट राइफल से लेकर AK-47 और C-30 पिस्टल के इस्तेमाल से देश की सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया था। रूस में बनी AN-94 असॉल्ट राइफल को रूसी सेना इस्तेमाल करती है। ये राइफल रूस से पाकिस्तान के रास्ते पंजाब पहुंची। पंजाब से ड्रोन के जरिए इन हथियारों की सप्लाई की गई। वहीं 30 बोर की चीनी पिस्टल C-30 पंजाब के गैंगस्टरों की पहली पसंद बनी हुई है। मूसेवाला के मर्डर में इसी पिस्टल से जमकर गोलियां दागी गई थी। विदेशी हथियार और फिर उनकी पाकिस्तान से सप्लाई ने देश की सुरक्षा एजेंसी NIA को मूसेवाला मर्डर की तह तक जाने के लिए मजबूर किया। NIA अब इन गैंग्स की टारगेट किलिंग के नेटवर्क की बधिया उखेड़ेगी। हाल ही में NIA ने लॉरेंस बिश्नोई समेत देश के टॉप 10 गैंगस्टरों के खिलाफ UNPA के तहत मामला दर्ज किया है और उनकी आतंकियों के साथ रिश्तों की कुंडली खंगाली गई है। मूसेवाला केस में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि 35 लोगों के नाम FIR में है। 2 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है जबकि 166 लोगों को गवाह बनाया गया है। हाल ही में मूसेवाला के शूटरों में शामिल
दीपक मुंडी को पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत पश्चिम बंगाल में नेपाल की सीमा के पास से उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे दीपक मुंडी के साथी कपिल पंडित को सलमान खान को टारगेट करने को कहा गया था। दीपक मुंडी ने पुलिस को बताया कि उसने और कपिल पंडित ने सलमान को मारने के लिए मुंबई जाकर रैकी भी की थी। इससे पहले दो शूटर रूपा और मन्नू पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूर के एक गांव में छिपे थे, जहां पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया था। वो दोनों ही पाकिस्तान भागने की फिराक में थे। चाहे मन्नू और रूपा हो या फिर दीपक मुंडी, ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान और नेपाल भागना चाहते थे। साफ है, पाकिस्तान में आईएसआई और खालिस्तान समर्थक आतंकी पंजाब में गैंगस्टर के जरिए शांति भंग करना चाहते हैं। ऐसे में एनआईए की ये कार्रवाई किसी बड़ी घटना होने से पहले का अलार्म है।